हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, आज सुबह से इनके दिल में, इनके मन में क्या चल रहा है, किस तरह के थॉट्स के बीच में ये पर्सन सुबह से घिरे हुए हैं, यही सब चीज़ें आज हम टैरो के माध्यम से देख रहे हैं। आपको यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना होगा, रीडिंग जो भी होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि कोई भी रीडिंग देख सकता है। ठीक है, बस आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है। उसके अलग जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, रीडिंग पसंद आती है, कनेक्ट कर पाते हैं अपने आप को इस रीडिंग से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके पास अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुँच सके। और जो लोग मेरे साथ पहले से ही चैनल पर जुड़े हुए हैं, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को, जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। ग्रेटिट्यूड देने में अगेन कहना चाहूँगी कि किसी भी तरह की कोई कंजूसी नहीं दिखाइएगा, क्योंकि लौट फिर कर आनी तो आप ही के पास है। ये चीज़ें हैं, ठीक है। जो मेजरली यहाँ पर एनर्जीज आई हैं वो है आपकी एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। ये आपकी एक्वेरियस और ये भी आपकी एक्वेरियस की ही एनर्जीज हो गई हैं। देखिए, बेसिकली मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, ये पर्सन सुबह से एक प्लानिंग के मोड पर ज़्यादा दिख रहे हैं, एक ऐसी प्लानिंग करने के मोड पर दिख रहे हैं जिससे इनकी ज़िंदगी में आगे तक के लिए एक अबेंडेंस सेट हो जाए। यानी कि ये पर्सन एक ऐसे डिसीजन के बारे में सोच रहे हैं ताकि ये अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकें। और अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए ये पर्सन अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। यानी कि सुबह से ये पर्सन किसी नतीजे पर जैसे पहुंचना है इन्हें, और उस नतीजे पर पहुंचने के लिए काफ़ी सारे फ़ायदे नुकसान, काफ़ी फॉरकास्ट, काफ़ी ओवर एनालाइज करके ये पर्सन देख रहे हैं कि किस ऑप्शन के साथ किस रास्ते पर इन्हें बढ़ना चाहिए, किस रास्ते में इन्हें ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी, इनकी इच्छाएँ किस रास्ते पर पूरी होंगी, किस तरफ इन्हें बढ़ना चाहिए। क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, इनके पास अब करंट में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, तभी ये पर्सन उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शंस की तरफ बढ़कर आगे चलने के बारे में, एक फैसला लेने के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे थे। ठीक है, एनीवेज ये पर्सन उन्हीं चीज़ों के बारे में काफ़ी कंफ्यूज्ड हो रहे थे। और मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन एक ऐसे निर्णय पर पहुँचना चाह रहे थे ताकि अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में एक नई स्टार्टिंग को कर सकें, अपने डर को पीछे ही छोड़ सकें और एक विश्वास के साथ ये आगे बढ़ सके। तो एक ऐसे डिसीज़न पर पहुंचने के बारे में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सुबह से सोच भी रहे हैं। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है उस मामले में काफ़ी उधेड़ बुन, काफ़ी ओवर एनालाइज, काफ़ी फॉरकास्ट और पास्ट के एक्सपीरियंस, उन सबको, चीज़ों को देख रहे थे। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि हालांकि ये चीज़ें इस पर्सन के लिए आसान नहीं रही हैं, क्योंकि एक फ़ैसले पर इन्हें पहुँचना है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ना है, बहुत सारी चीज़ों को साथ लेकर चलना है, तो उस चीज़ के लिए भी ये पर्सन काफ़ी स्टक एनर्जीज़ में दिख रहे हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंस में इनके जैसे कमी हो रही हो, अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहे हो कि भाई क्या करना चाहिए, किस रास्ते पे चलना चाहिए, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, किस जिम्मेदारी को छोड़ना चाहिए, किस जिम्मेदारी को उठाना चाहिए, तो वो सब चीज़ों की उधेड़ बुन में या उन सब चीज़ों के मामले में ये पर्सन अपने आप को सुबह से काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हैं। ये एनर्जीज़ है। द स्टार एंड सिक्स ऑफ वॉन्ट्स, मुझे ये एनर्जीज़ भी दिख रही है कि ये पर्सन चाह रहे थे कि भाई देखो, जहाँ पर मेरे से बनता है वहाँ पर मैं चीज़ों को विश्वास के भरोसे छोड़ दूँ, यानी कि सरेंडर कर दूँ, उन सपनों को सिर्फ सरेंडर करके मैं आगे बढ़ूँ, या फिर उन सपनों के लिए मैं जीऊँ, उस सपनों के लिए मैं कोई एक्शन लूँ, उसमें पॉजिटिविटी लेकर आने के लिए किसी भी तरह से जो भी चैलेंजेस मेरे सामने आते हैं मैं उनका सामना करूँ ताकि मेरी ज़िंदगी में सफलता आ सके। तो यहाँ पर ये चीज़
चीज़ें पूरी तरह से क्लियर हो रही हैं कि ये पर्सन सुबह से एक फैसले पर पहुंचने के लिए काफ़ी सारे चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ों को एनालाइज कर रहे थे सुबह से ही। वो एनर्जीज यहाँ पर काफ़ी हद तक मुझे दिख रही है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं और जो भी डाउट्स मन में रहे हैं उन सबको क्लियर कर लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए। एट ऑफ सोर्ड्स के मामले में सुबह से इस पर्सन के मन में क्या चल रहा था, किस मामले में ये अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहे थे, सुबह से गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है द हाई प्रीस्ट एंड बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली ये पर्सन सुबह से पहली चीज़ तो अपनी इंट्यूशंस की बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं ताकि ये एक सटीक डिसीज़न ले सके, एक सही एडवाइस ले सके, एक सही निर्णय पर पहुँच कर ये उस निर्णय के साथ आगे बढ़ सके। तो ये पर्सन डेफिनेटली ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि एक फैसले की घड़ी जैसे इनके सामने सुबह से आई हुई हो और इन्हें तुरंत उस निर्णय को ले लेना है। आपके पर्सन ना आपकी तरफ बढ़ने के मामले में भी सुबह से काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं विद दिस नाइट ऑफ कप्स, यानी कि आप का अगर इन्होंने भरोसा तोड़ा है या फिर इन्होंने आप पर कभी भरोसा नहीं करा है, तो ये पर्सन उस मामले में भी काफ़ी ज़्यादा सोच रहे थे, यानी कि फीलिंग्स वाइज, इमोशंस वाइज भी काफ़ी चीज़ों के बारे में डेफिनेटली ये सुबह से सोच रहे थे, जिसमें इनके मन में ये थॉट चल रहा था कि शायद अब इन्होंने आप लोगों के बीच में जो एक भरोसा होता है, जो एक रिश्ते की मेन नींव होती है, उसे इन्होंने तोड़ दिया और अब ये वो भरोसा कैसे लेकर आगे बढ़े, उस भरोसे को कैसे जीते, तो उस मामले में भी ये काफ़ी स्टक फील कर रहे थे। हालांकि अभी और क्लियर करी जाएंगी चीज़ें, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं इन दो कार्ड्स के थ्रू ये वाइब्रेशन आ रही है कि ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ने के मामले में जैसे कोई फैसला ले रहे हो, आपसे बात करने के मामले में जैसे इन्हें कोई फैसला लेना है, लेकिन ये आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे थे, उस मामले में अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहे थे। रीज़न है इन्होंने इस रिश्ते में भरोसे को तोड़ा, चाहे आपके भरोसे को तोड़ा, चाहे आप पर भरोसा ना करके इस रिश्ते को तोड़ा, दोनों ही सूरतों में ये पर्सन अपने आप को काफ़ी स्टक सुबह से फील कर रहे थे और इसीलिए ये पर्सन डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे। डिसीज़न इनके सामने जो आया है उसे लेने के मामले में काफ़ी कंफ्यूज रहे, काफ़ी परेशान रहे हैं, ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा दिख रही है। द स्टार के मामले में सुबह से इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। द स्टार के मामले में सुबह से इनकी क्या एनर्जीज रही है। फोर ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है द मून। तो बेसिकली देखिए यहाँ पर ये एनर्जीज है कि इस पर्सन के मन में इस तरह की चीज़ें चल रही थी कि अगर बाय चांस ये आपकी तरफ अपना ऑफर खुद से लेकर बढ़ते हैं, आपको खुद से कॉल, टेक्स्ट या मैसेज करते हैं, तो डेफिनेटली इन्होंने आपके उतने सपनों को तोड़ दिया है, उस कदर आपको तोड़ दिया है कि आपका जस्ट वो ऑफर ही आपके लिए सफिशियंट नहीं रहेगा, यानी कि आपको उस ऑफर पर भरोसा रत्ती मात्र नहीं रहेगा। आपके मन में वो चीज़ें चलती रहेंगी उनके इनके ऑफर के थ्रू कि डेफिनेटली ये बंदा या बंदी मुझे बैक बाइटिंग करने आया है या आई है, यानी कि अभी भी कोई गेम खेलने आया है या आई है, अभी भी लड़ने आया है या आई है, अभी भी आकर फिर छोड़कर चला जाएगा या जाएगी, तो उस तरह की इनसिक्योरिटी आपके मन में रहेगी इनके खुद से आपकी तरफ ऑफर लेकर आने के मामले में, चाहे फिर ये कितने भी सच्चे दिल से आपकी तरफ बढ़ते हैं, सच्चे दिल से आपकी तरफ कॉल करते हैं, लेकिन आपके मन में अब वो बात नहीं रहेगी इनको लेकर, वो भरोसा इनके लिए आपके मन में नहीं जागेगा जो कभी पहले हुआ करता था। तो वो चीज़ें इनके मन में चल रही थी कि अब आप इन पर 1% भरोसा नहीं कर पाओगे, अगर बाय चांस ही आपके साथ इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ भी करना चाहते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं कि ये बदल रहे हैं या ये इस रिश्ते में रहना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ इस तरह की सिचुएशन दिख रही है जैसे कि ये पर्सन सुबह से आपकी तरफ बढ़ने के मामले में कोई फैसला लेना चाह रही हो, लेकिन उस मामले में इन्हें अब आज की डेट में या सुबह से ऐसा फील हो रहा था कि अब शायद इन्होंने बहुत लेट कर दिया, आप इन्हें यही बोल दोगे सॉरी बॉस इट्स टू लेट, तो वो चीज़ें इनके मन में बहुत ज़्यादा चल रही हैं सुबह से। सेवन ऑफ कप्स के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से क्या एनर्जीज रही, गाइड कीजिए बताइए। सेवन ऑफ कप्स के मामले में सुबह से क्या एनर्जीज रही इनकी। जजमेंट एंड बॉटम ऑफ द डेक है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। तो बेसिकली यहाँ पर ये दिख रहा है कि सुबह से ये पर्सन एक ऐसी एनर्जीज में रहे जैसे कि
ये टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जीज आ गई है। अगर आपके माइंड में आया हो कि भाई हमारी एनर्जीज नहीं आई है, तो एनर्जीज ओवरऑल सभी आ जाती हैं। तो देखिए बेसिकली सुबह से ना इस पर्सन के मन में ये चीज़ें चल रही थी कि मेरे पास इतनी सारी चॉइसेस होने के बावजूद भी मैं अकेला खड़ा हूँ या खड़ी हूँ। ठीक है, वो चीज़ें इनके मन में सुबह से चल रही थी। एक डर, एक खोने का डर, एक ऐसा डर कि जिसमें इन्होंने सब कुछ खो दिया, सब कुछ लुटा दिया। देखने वालों को दिख रहे होंगे बहुत सारी चॉइसेस हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह से ये खाली हैं। तो वो चीज़ें इनके मन में सुबह से चल रही थी और इनको ऐसा लग रहा था कि मेरे मन में ना ये जो डर है वो मेरा फैसला नहीं है, वो उस खुदा का, उस यूनिवर्स का, उस डिवाइन का फैसला है मेरे लिए कि अब तुम अकेले रहो, अब तुम उन सभी डे ड्रीमिंग में जियो जो तुम्हारे लिए ज़्यादा अट्रैक्टेड था या कभी हुआ करता था। तो वो चीज़ें भी इनके मन में काफ़ी ज़्यादा चली, यानी कि अगेन कहना चाहूँगी अकेले रहने का डर इनके मन में सुबह से बहुत ज़्यादा चला है और काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इसी डर की वजह से ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ने के बारे में, आपकी तरफ बढ़ने के मामले में, डिसीजन लेने के मामले में सोच रहे हो। तो इसकी भी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो एक डर इनके मन में रहा कि हाथ पल्ले मेरे कुछ भी नहीं है, देखने वालों को भले लग रहा होगा कि भाई मेरे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। ठीक है, तो ये जो इधर उधर ये जो चॉइसेस हैं बेसिकली उस चीज़ को लेकर है कि ये किधर जाएँ, किसकी तरफ बढ़े, तो वो चॉइसेस हैं। मतलब है नहीं इनके पास, ये भी सिर्फ इनकी डे ड्रीमिंग है, इनकी अजम्पशंस हैं या इनकी इमेजिनेशंस हैं, लेकिन अल्टीमेटली हैं ये अकेले पूरी तरह से। तो एक्चुअली में है कुछ नहीं, बस अपने आप से हाथ पैर मार रहे थे सुबह से ये पर्सन, ये एनर्जीज है। द ड्रीमर के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से क्या एनर्जीज रही, बहुत सारे कार्ड्स हैं। द ड्रीमर के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से क्या एनर्जीज रही, क्या सोच रही, गाइड टीचर बताइए यूनिवर्स। फोर ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आया है टू ऑफ वॉन्ड्स। तो पॉसिबिलिटी है कि सुबह से इस पर्सन के दिमाग में काफ़ी चीज़ें क्योंकि चल रही थी इस रीज़न की वजह से इनकी तबीयत भी ख़राब हुई हो, हेडेक होने लगा हो, आई साइड की दिक्कत एकदम से फेस होने लगी हो, या ये फील करने लगे हो, थोड़ा सा स्लीपी सा इन्हें लगने लगा हो कि बस लेटे रहो, बस आराम से बस बेड पे रहो। और फिर जब ऑब्वियसली जब इंसान अपने आप को बीमार जैसा फील करने लगता है तो उसके दिमाग में वही सब चीज़ें चलने लगती है। तो सुबह से इनकी ऐसी एनर्जीज रही कि एक ख्याली पुलाव में रहे ताकि एक डिसीज़न ले लें, क्योंकि देखो यहाँ पर भी डिसीज़न, वेट फॉर प्लानिंग, वेट कर रहे हैं कोई प्लानिंग करने की, वेट कर रहे हैं कोई रिज़ल्ट आ जाए या खुद से कोई रिज़ल्ट लेने की। तो वो एनर्जीज रही और क्योंकि ये पर्सन नहीं ले पा रहे थे उस मामले में, अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहे थे, इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ को भी फेस कर रहे थे सुबह से ये एनर्जीज है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई बीमार हो गया हो, 104 का बुखार हो गया हो, ऐसा नहीं। जैसे कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की वजह से आपको हेडेक होने लगता है, अब हेडेक इतना एक्सेस में हो रहा है कि आपको वॉमिट जैसा फील हो रहा है, तो वो उस तरह से इनकी तबीयत ख़राब रही है, ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा दिख रही है। नंबर फोर काफ़ी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, नंबर टू यानी कि आपका फरवरी और अप्रैल मंथ जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में जुड़ा हुआ है, एज एन इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, आप लोग मिले थे, आप लोग बिछड़े थे, तो इस तरह से आपको ये नंबर या ये मंथ लेकर चलने हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के मामले में सुबह से इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही, गाइड कीजिए बताइए यूनिवर्स। फाइव ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स ऑफ कप्स। तो नंबर सिक्स यानी कि जून मंथ भी बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या एनर्जीज आई है, सुबह से ये पर्सन आपको याद कर रहे थे, आपकी इनोसेंसी, आपकी ईमानदारी, आपके साथ वापस से रीयूनाइट होने के बाद जो इन्हें सक्सेस मिलती है, इन्हें जो खुशियाँ मिलती है, उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे थे। लेकिन अगेन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि आपको अब इन पर 1% भरोसा नहीं होगा, आपको यही लगेगा कि भाई अभी भी अपने मतलब के लिए आए हैं या अभी भी जाने के लिए आए हैं, इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन काफ़ी लॉस हुआ हुआ, काफ़ी रिग्रेट जैसी एनर्जीज में भी रहे, एज एन एक ऐसा अफसोस, एक ऐसा मलाल इनके मन में रहा कि इन्होंने आप पर से भरोसा या आपकी आंखों में जो इनके लिए प्यार था, रेस्पेक्ट थी, उन सबको खो दिया है। तो वो चीज़ें इनके मन में चल रही थी जिसे सोच सोच कर खुद से काफ़ी परेशान हो रहे थे, रिग्रेट फील कर रहे थे। तो पॉसिबिलिटी है ऐसा हुआ हो,
ठीक है, आपको ये चीज़ें आपके मन में चलती हों कि भाई एक होता है ना कि इन्होंने मेरे साथ गलत करा, मेरे साथ रिश्ते में ईमानदारी नहीं निभाई, मैंने इस रिश्ते में इन्हें बच्चे की तरह प्यार करा, पूरी ईमानदारी इस रिश्ते में निभाई, लेकिन फिर भी इन्होंने मेरे पर ही ध्यान नहीं दिया, मुझे ही सबसे पहले छोड़ा। तो वो चीज़ें जो आपके मन में चलती है ना, वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस पर्सन के ऊपर, इनकी सोच के ऊपर रिफ्लेक्ट डालती हैं, इसी तरह से कि अब आपकी आँखों में इन्हें वो रेस्पेक्ट नहीं दिखाई देगी चाह कर भी। तो वही चीज़ें इनके मन में काफ़ी ज़्यादा चली हैं सुबह से, ये एनर्जीज़ है, ठीक है। चलिए अब ये देख लेते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर पता चला कि ये पर्सन सुबह से एक डिसीज़न लेने के बारे में सोच रहे थे, और वो था कि आपकी तरफ बढ़े या ना बढ़े, आपसे बात करें या ना करें। तो क्या इनका आपकी तरफ कोई जेस्चर आएगा रिसेंटली या नहीं आएगा? द एम्परर, जस्टिस, द फूल एंड बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्चून। देखो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, बेसिकली आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, ये घूम फिर कर आने तो आप ही के पास हैं, भले अभी थोड़ा सा रास्ता भटक रहे हैं, भले अभी इन्होंने अपना रास्ता चेंज कर लिया, या भले अभी आपकी तरफ बढ़ने वाले रास्ते के लिए कन्फ्यूज हो रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली इनका जो फाइनल डिसीज़न होगा ना, वो आप ही के साथ एक नई शुरुआत करने का होगा, इसी रिश्ते में बैलेंस करने का, इसी रिश्ते को न्याय देने का ही होगा, वो भी एक एम्परर की एनर्जी में, ये मुझे काफ़ी हद तक दिख रहा है। तो फाइनल डिसीज़न इस पर्सन का आप ही की तरफ आना है, लेकिन अभी कुछ समय के लिए ये पर्सन रास्ता भटके हुए हैं, वो एनर्जीज डेफिनेटली दिख रही है, लेकिन ये घूम फिर कर आना इन्हें यहीं पर है। समय भले ले रहे हैं, वो भी अपने ज़्यादा सोचने की वजह से, अपने कंफ्यूजिंग एनर्जीज़ की वजह से ये यहाँ पर है, ठीक है। तो ये रही आपके पर्सन की कि सुबह से क्या सोच रहे थे, किस तरह की सोच में ये रहे हैं। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, इसके माध्यम से किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिली हो, आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिलती है, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से मैं नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही, ओके, बाय बाय।